सो हाई गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज रिसेंटली मैंने कुछ अभी आर्ट मटेरियल्स पैचेस करे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी मैंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड इसमें मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। तो अभी जनरल के पेंसिल्स, आपको पता है कि चारकोल पेंसिल जो है वो मैं जनरल ब्रांड की यूज़ कर रहा था, जो कि अमेजिंग क्वालिटी है, तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो मैं मार्केट गया था जनरल के चारकोल पेंसिल लेने, बट वो मुझे मिला नहीं। उसके अलावा मुझे अल्टरनेटिव मिल गए, चारकोल के दो तीन पेंसिल्स मिल गए मुझे एंड पाउडर मिल गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में मैं बताऊं। एंड एक और बात कि जो मैं अभी प्रोजेक्ट में बना रहा हूं, तो उसकी साइज़ मैंने आप लोगों को बोला था गेस करने के लिए, बट ऑलमोस्ट लोगों ने गलत ही गेस किया था, क्योंकि शायद वीडियो में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ आपको कि जो मेरी हाइट है सेम टू सेम उसकी जो विड्थ है उतना ही है, मतलब मेरे हाइट और उसकी विड्थ ड्राइंग की वो बिल्कुल सेम है। तो आप लोग गेस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना कि जिसको पता होगा मेरा हाइट एग्जैक्टली तो वो बता सकते हैं, नहीं तो फिर भी आप गेस कर सकते हो। ओके, एक और चीज़ कि अभी रिसेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आर्ट कॉम्पिटिशन लेकर आओ, तो वो उसकी प्लानिंग बहुत समय से हम कर रहे थे एंड ऑलमोस्ट काम जो है वो डन हो गया, और बहुत जल्द आर्ट कॉम्पिटिशन आने वाला है, एंड इस बार एक अलग ही लेवल पे आएगा, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, एंड बहुत प्लान करके हमने वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी हैं, तो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसको ज़रूर, उसके लिए आप सब तैयार हो जाना। फिलहाल हम मटेरियल की बात करते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मटेरियल्स हैं एंड उनमें से कौन से आपको परचेस करना चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो गाइस ये कुछ मटेरियल्स हैं जो मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये ब्रुस्टो की जो चारकोल पेंसिल है, बहुत ही पॉपुलर है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा इसके बारे में। तो जितना मैंने रिसर्च किया है अपने तरफ से, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने परचेस करा है, तो इसके बारे में मिक्स रिव्यूज़ जो मुझे देखने को मिले हैं यूट्यूब वीडियोज़ पे या फिर और भी अलग अलग आर्टिस्ट के पेजेस पे, जहाँ से मैंने रिसर्च किया थोड़ा बहुत जितना मैं कर पाया, उसके हिसाब से मुझे इसके बारे में मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है, जो इसकी पिगमेंट है डार्कनेस है बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी ब्लैक हो जाती है, मिक्सिंग भी अच्छी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो फाइननेस है, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने फाइन नहीं हैं, उतने थोड़े बड़े हैं, तो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। तो इसको मैं सबसे पहले ओपन करके देखूंगा कि किस तरीके का है, एंड मुझे जिस तरीके का लगेगा वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। तो इसके बारे में फाइनल रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, जो मैं अभी अप्लाई करके, इसके पहले मैं नॉर्मल जो लोकल मार्केट में मिलती है चारकोल पेंसिल, छोटी से डिब्बे में आती है, 10-20 रुपए की आती है, वो मैं यूज़ कर रहा था एंड उसमें कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट उसकी उतनी डार्कनेस नहीं थी, थोड़ी बहुत शाइन भी आ जाता था एंड लॉन्ग टर्म में वो फेड हो जाता था। एंड इस तरीके के जो अच्छे क्वालिटी के आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, लॉन्ग टाइम में वो ख़राब नहीं होती है। ओके, इसकी बात हमने कर ली। उसके बाद ये वाली पेंसिल्स, इसके लिए मैं थोड़ा जब मैंने परचेस करा था तो एक्साइटेड था, ये स्टेडलर की चारकोल पेंसिल्स हैं, एंड इसके पहले मैंने स्टेडलर के नॉर्मल जो पेंसिल्स आती हैं ग्रेफाइट पेंसिल वो मैंने यूज़ करे हुए हैं, कार्बन पेंसिल आती है ब्लैक पेंसिल वो मैंने यूज़ करे हुए हैं, एंड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है स्टेडलर की, बट इसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं था। एंड मैं मार्केट गया था, अभी मेरे पास जो इसके पहले मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा था वो था जनरल की, एंड ये वाली पेंसिल जितनी मैंने अभी तक यूज़ करी हैं, चाहे वो मीडियम वाली हो, चाहे वो हार्ड वाली हो या सॉफ्ट वाली हो, बहुत ही अमेजिंग है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट वैल्यू फॉर मनी है। तो ये वाली जो पेंसिल मैं लेने गया था बट वो मिली नहीं, क्योंकि देखो ये मेरे पास मीडियम है और एक हार्ड पड़ा हुआ है, सॉफ्ट वाली पेंसिल पूरी ख़त्म हो गई है, तो वो मैं लेने गया था तो मुझे उसकी जगह पे ये मिला है। एंड जब मैं लेकर आया था तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि स्टेडलर मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, रेपुटेशन है, एंड कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिसका नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में वो क्वालिटी आ जाती है कि यार इस ब्रांड की है तो क्वालिटी टॉप मोस्ट होगी। तो इससे यही उम्मीद था, इसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैंने इसको यूज़ करा हुआ है देख लो, तो जितना मैंने यूज़ करा है एंड ये वाला प्रोडक्ट जितना मैंने यूज़ करा है उसके हिसाब से मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि आपको परचेस करना चाहिए ये वाली या नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड जो है वो ये वाली है कॉन्टे पैरिस की, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं करा है, ये दो प्रोडक्ट अभी मैं लेकर आया हूँ, ये 2-3 दिन हो गए। ये वाली जो है कॉन्टे पैरिस सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है चारकोल, एंड इसको मैंने यूज़ नहीं करा है, बट जहाँ से मैंने परचेस करी है उन्होंने मुझे बताया कि वो अच्छी क्वालिटी की है, और इसकी प्राइस भी आप देखो, इसकी प्राइस जो थी वो 90 रुपीज़ थी,
सिंगल पेंसिल की, सॉरी जो जनरल की पेंसिल्स हैं वो आती हैं लगभग 110-120 रुपए की, मतलब 100 प्लस, एंड ये वाली जो है वो 135 की है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे ये हो जाते हैं सिंगल पेंसिल, और इसकी थिकनेस भी बहुत मोटी है, एंड ये वाली मुझे पड़ी है 280 रुपए की। तो ये चीज़ें मैंने बता दी, अब थोड़ा सा यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड क्योंकि मुझे अभी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं बिल्कुल प्रोडक्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे वो सस्ती हो, अलग अलग जगह पे, क्योंकि जो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है एंड जहाँ पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपके पास बजट है आप उतना खर्च कर सकते हो, तो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के जो मटेरियल्स हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप महंगी मटेरियल्स यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी ड्राइंग्स एकदम से चेंज हो जाएगी, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी ड्राइंग एक्सपीरियंस अच्छी होती है, आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म तक सेफ रहती हैं इस तरीके के जो आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बट उससे पहले मुझे नीचे कुछ तो बिछाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो, तो यहाँ पे मैंने पेपर रख लिया है, एंड पिगमेंट आप देख सकते हो बहुत ही डार्क है। तो जो शिकायत कर रहे थे पिगमेंट के लिए, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मैं फेस करूँगा। एंड बात करेंगे पार्टिकल्स की, क्योंकि बहुत लोग पार्टिकल का बोल रहे हैं कि बहुत ही जो इसके पार्टिकल्स हैं चारकोल के वो उतने फाइन नहीं है कि अच्छे तरीके से मिक्स हो, तो वो चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग अलग। ओके, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप चारकोल पाउडर को डायरेक्टली पेपर पे यूज़ करते हो, मतलब सिंगल लेयर लगाते हो, तो वहाँ पे थोड़े से पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड के आप चारकोल पाउडर यूज़ करो। उसके बाद धीरे धीरे जब आप सेकेंड लेयर थर्ड लेयर ऐड करते हो, उसको मिक्स करते हो, तो धीरे धीरे जो पैचेज हैं वो चली जाती हैं, एंड यहाँ पर जो आउटकम है उसमें मुझे ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। पार्टिकल्स भी इसके इतने हैं कि वो मिक्स हो रहे हैं अच्छे तरीके से। मैं दूसरा ब्रश चेक करके देखता हूँ, अगर मुझे बड़े साइज में कुछ इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो, मिक्स करना हो, तो वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देखो कुछ जो ब्रश के हेयर होते हैं वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बहुत चिपक रहे थे, इस तरीके के प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो इस तरीके से डायरेक्टली जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो ये थोड़ा देखने को मुझे मिल रहा है। अब ये किस वजह से देखने को मिल रहा है, जब मैं इसको और यूज़ करूँगा तो मुझे पता चलेगा, इस चीज़ से कैसे ओवरकम करते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि अभी तक जितने मैंने चारकोल पाउडर यूज़ करे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक लोकल मार्केट से मैंने परचेस करा हुआ है, एंड दूसरा जो है वो है ये पेंसिल को, चारकोल पेंसिल को बट सैंड पेपर पर रब करके भी आप पाउडर बना सकते हो। तो इस तरीके का प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को नहीं मिली। आप देखो जो ब्रश के हेयर हैं उसमें इस तरीके के लाइंस आ रही हैं, बट यहाँ पर अब देखो
तो उस तरीके का कुछ मुझे देखने को नहीं मिला है। तो एग्जैक्टली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस वजह से ये हो रहा है। तो इसको ओवर टाइम जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्योंकि अलग अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। एंड ये पिगमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा डार्क है, क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस देखो, जो मेरा हाथ है ये भी पूरा ये हो गया। ओके, तो रिव्यू तो नहीं बढ़ा, 280 रुपये के हिसाब से अमाउंट इतना सारा है। पिगमेंट में कोई इशू नहीं है, पार्टिकल्स भी अच्छे खासे जो हैं वो छोटे हैं। जो लोग शिकायत कर रहे थे कि इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते, मिक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आई है, बट वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको साइड रखता हूँ। अब फाइनल मैं रिकमेंडेशन तो नहीं बता सकता हूँ कि आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं पेंसिल की ओर जाता हूँ। तो ये वाली पेंसिल है एंड 90 रुपीज़ का एक था सॉफ्ट पेंसिल। एंड यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे जो ये पेंसिल्स हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था पेपर के ऊपर, तब मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि ये जो पेंसिल है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, बिल्कुल ब्लैक सा दिखता है। एंड ये मिक्स करोगे तो मिक्सिंग भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट यहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ जनरल के चारकोल पेंसिल जो मैंने इसके पहले अभी बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड वो भी इसी के रेंज के आसपास मिलता है, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है ड्राइंग एक्सपीरियंस में। क्योंकि ये वाली जो पेंसिल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, जो पेंसिल के हिसाब से और भी ज़्यादा फाइन होनी चाहिए, ये वाली ना आपको फीलिंग देगी इसकी कंप्रेस चारकोल, ऐसा लगेगा कि कंप्रेस चारकोल को पतला करके पेंसिल के रूप में बना दिया गया है। क्योंकि ये भी अब उसी तरीके से डार्क होती है एंड उतने कंट्रोल आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, और इसे भी आप उतने कंट्रोल नहीं कर सकते, उतने शार्प करने पर ये टूट भी जाता है, इसकी स्ट्रेंथ भी उतनी अच्छी नहीं है। देखो दोनों बिल्कुल सेम है, वो ऐसा लग रहा है कि कंप्रेस चारकोल को ही पेंसिल में कन्वर्ट करके और इनने बना दिया है। बट एक्चुअली में जो सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, आप छोटे से एरिया में उसको आप अप्लाई करके उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो वहाँ सॉफ्ट पेंसिल जो है वो अलग अलग जगह पे यूज़ होती हैं। जो पर्पस होता है, मैं इसको जब मैंने यूज़ किया मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि 90 रुपीज़ में पे कर रहा था, स्टेडलर ब्रांड बहुत पॉपुलर है, बट जिस तरीके का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं था। बट ये जब मैंने परचेस किया, एक्चुअली जो सॉफ्ट चारकोल की जो डेफिनेशन है कि सॉफ्ट चलेगी, स्मूथ रहेगी जब आप इसको अप्लाई करोगे, ये वाली जब मैंने अप्लाई करी तो उस तरीके का मुझे देखने को मिला है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। एंड मिक्सिंग मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने मिक्स करके अभी तक देखा नहीं है। एंड आप ये देखो तो मिक्सिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। दोनों में मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि दोनों जो मैंने अप्लाई किया वो किस तरीके से मिक्स हुआ है। देखो इसमें पैचेस बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अब इसमें बस प्रॉब्लम ये है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब मैंने अप्लाई किया था तभी मुझे ये फील हो गया था कि इसकी जो क्वालिटी है, एक्चुअली जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होनी चाहिए एंड इसी के आसपास जनरल के भी एक्सपीरियंस है, वो भी इतनी अच्छे तरीके से मिक्स होता है। यहाँ पे मैं स्टेडलर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, शायद चारकोल में इतना ज़्यादा पकड़ नहीं है इनका एंड पॉपुलर भी इसी वजह से नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि स्टेडलर चारकोल पेंसिल्स भी बनाती हैं। मुझे इतना ज़्यादा मैंने रिसर्च किया नहीं था एंड फर्स्ट टाइम मैंने जब अप्लाई किया तो उतना ज़्यादा इम्प्रेस तो हुआ नहीं मैं। तो यहाँ पर ये वाले जो पेंसिल हैं कॉन्टे पैरिस के, ये थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर हैं बट इसके एक्सपीरियंस एंड मिक्सिंग बहुत अच्छी है। बट इसमें प्रॉब्लम एक ही आने वाली है, जो मेरे पास ये वाली शार्पनर है जिससे मैं सारे पेंसिल्स को शार्प करता हूँ, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी थिकनेस देखो दूसरे पेंसिल से बहुत ही ज़्यादा है। इसकी आप थिकनेस देखो, इस वाली पेंसिल से बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ये फिट होती नहीं है। नॉर्मल जो शार्पनर है उसमें भी ये फिट नहीं होती है, तो इसको शार्प करने के लिए हमें
कटर की ज़रूरत पड़ेगी, कटर से ही इसको शार्प करनी पड़ेगी। तो बस इसमें ये प्रॉब्लम है, क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है जितना मैंने यूज़ किया। एंड उसके बाद धीरे धीरे अभी मैं और भी यूज़ करूँगा, स्टेडलर वाली जनरल वाली तो मैंने यूज़ करी है, तो उसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास 100 रुपीज़ 110 रुपीज़ है एंड आप एक अच्छी क्वालिटी के चारकोल पेंसिल परचेस करना चाहते हो, आप जनरल की बिल्कुल आँख बंद करके परचेस कर सकते हो। थोड़ा सा और एक बजट है तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। बस इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेडलर वाली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करके मैं देखता हूँ कि किस तरीके से काम करता है तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। फिलहाल स्टेडलर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये वाली भी उतनी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है, तो उसको मैं फाइंड आउट करके ओवरकम करूँगा एंड उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड ये वाली जो पेंसिल है ये बिल्कुल रिकमेंडेड है क्योंकि इसकी क्वालिटी, मिक्सिंग, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है इसकी थिकनेस, अदरवाइज इसमें कोई भी अभी तक प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली है। एंड अभी जो मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ बड़ी वाली प्रोजेक्ट, उसके ऊपर मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा एंड वहाँ पे धीरे धीरे और भी मुझे चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।